हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में आपके सामने 13 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसका प्लीज़ आखिरी तक देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोला है, अब बार ए बी, आपको यहाँ पे एक बार दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, ए बी है, ऑफ वेट 1 किलो न्यूटन। देखो उसको सेंटर सी पे नीचे लटका हुआ, दैट इज़ 1 किलो न्यूटन का वेट इसका लटका हुआ है। ओके, इज हिंस्ड टू ए वर्टिकल वॉल एट ए एंड सपोर्टेड एट द एंड बाई अ केबल बी डी। ये जो है एक केबल दिया हुआ है, ठीक है, और क्या कहता है, इस बात को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द केबल। ओके, इस केबल पे जो टेंशन क्रिएट होगा, जो टेंशन होगा उसको अपने कहा निकालना है। एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एट द हिंज। ये आपको जो पॉइंट ए हिंज दिया हुआ ना, ठीक है, उसको क्या निकालना है, उस रिएक्शन पे, ठीक है, जो उसका रिएक्शन बनेगा उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन को यहाँ पे मुझे निकाल करके शो करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये आपको जो दिया हुआ ना बाद, इसका अपन यहाँ पे एफ बी डी ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओके, तो इसको अपन ऐसे ही ड्रॉ कर लें एफ बी डी। ओके, ये अपना एक एफ बी डी बन जाएगा, ये अपना ए हो गया, ये अपना पॉइंट बी हो गया, ठीक है। इसका सेंटर जो है आपका सी होगा, विच विल एक्ट डाउनवर्ड, दैट इज़ 1 किलो न्यूटन। ओके, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे अपना जो पॉइंट है वो अपना हिंज है, तो यहाँ पे दो रिएक्शन लगेंगे, एक इस सरफेस के पैरेलल, एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर होगा वो स्टेप्स होगा, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, लेट्स सपोज दिस इज एक्स ए, और जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज़ लेट्स सपोज ऐसा कुछ होगा, दैट इज़ वाई ए। ओके, देखो यहाँ पे एंगल कितना दिया, 60 डिग्री दिया कि नहीं, तो ये अपना हो जाएगा एंगल 60 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पे जो टेंशन लगा हुआ है, देखो कैसा ही है, कुछ ऐसा गया हुआ है, ठीक है। दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री दिया हुआ है, और अगर आप यहाँ से एक वर्टिकल लोगे, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ बना करके। मान लो कोई वर्टिकल है, तो देखो ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, अगर ये 60 तो आपको ये 60 होना चाहिए, तो चूंकि ये अपन 30, तो ये अपन कितना होगा, ये भी अपन क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी एक एक बार में, ठीक है। ये अपना पॉइंट सी हो गया, ये अपना पॉइंट ए हो गया है, यहाँ पे रिएक्शन को दिखा दिए, ये अपना 30 हो गया, ये अपना क्या टेंशन टी हो जाएगा, जो कि क्या है, केबल पे ऐड करेगा। ओके, ठीक है, इतना हो गया है। अब अगर हम लोग बात करेंगे इस टेंशन की, ठीक है, तो ये टेंशन जो आपका, देखो ये क्या है, इस ये जो आपको बार दिया हुआ है इस पे 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं अगर बोलूँगा कि देखो वर्टिकल से कितना बना रहा है, ये 30 बना रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा इसका, दैट विल बी हाउ मच, टी कॉस 30 डिग्री बन जाएगा। और यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल बनेगा, ठीक है, ये देखो अपना कितना बनेगा, टी साइन 30। एक्चुअली ये 30 नहीं है, ये 30 जो है यहाँ पे आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। देखो ये अपना क्या है, इस वर्टिकल से 30 डिग्री बना रहा है कि नहीं, इसलिए ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है अपना क्या होगा, कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो अपना क्या होगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, ठीक है। देखो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मोमेंट लेते वक्त मुझे यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए कि नहीं, आपको देखो क्वेश्चन में कहीं भी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लो, लेट ए बी इक्वल्स टू एल मीटर्स। ओके, आपको जहाँ पे जिसका लेंथ दिया, लेट सपोज दिस इज एल मीटर्स, तो ये ए सी कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पे एल बाई टू हो जाएगा, बी सी अपना कितना हो जाएगा, एल बाई टू हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब चूंकि अपन लोग ए के अबाउट मोमेंट लगा रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये दो फोर्सेस देखो यहीं से पास कर रहा है कि नहीं, तो इनका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट अपने क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सिंस बोथ द फोर्सेस आर पासिंग टू सेम पॉइंट, तो अपने क्या होगा, लेंथ वहाँ पे 0 हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट विल बिकम 0, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस नहीं आएंगी, क्या आएंगी बताओ, ये आएगा, ठीक है, और ये दो कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। तो पहले इसको अपन देख लेते हैं क्या आ रही है, तो देखो यहाँ बताओ क्या आ रही है, 1 किलोमीटर है कि नहीं, देखो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ये जो है देखो पॉइंट एक बार, देखो कैसे क्लॉकवाइज है कि नहीं, तो मैं क्लॉकवाइज का हमेशा नेगेटिव लेता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव लेता हूँ, दिस विल बिकम -1। ओके, अब बात आती है डिस्टेंस की, ठीक है, तो ये बताओ ये अपना क्या है, ये अपना एल बाई टू है कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, देखो अगर इसका लाइन ऑफ, अगर ये फोर्स नीचे आ रहा है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन बताओ कैसा होगा, ऐसा होगा कुछ, ठीक है, ये अपना लाइन ऑफ एक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। तो मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस ही है, मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस ही है,
तो अगर ये एंगल अपना वर्टिकल से 60 बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल से क्या होगा, अपने ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्या होगा, एल बाई टू साइन 60 डिग्री। ओके, ये जो लेंथ है दैट इज़ एल बाई टू, और एंगल कहाँ लगा, बाई में लगा हुआ है। तो ये जो वर्टिकल होता है कॉम्पोनेंट, ये अपना क्या होता है कॉस कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल अपने क्या हो जाएगा, ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, ये अपना हो गया डिस्टेंस। अब आते हैं कहाँ बताओ, तो लेट सपोज इस पे आते हैं, ठीक है, दैट इज़ टी साइन 30। अब ये भी जो देखो तो कैसा है अपना, ये क्लॉक वाइज है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखो अगेन माइनस, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ माइनस टी साइन 30। ये मैं इसको लिख दिया। अब देखो ये जो है ऐसे पास करेगा कि नहीं, तो ये बता अपने क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कॉस कंपोनेंट है ना, ठीक है। क्यों देखो कि क्या, देखो एंगल क्या लगा यहाँ पे, एंगल तो कहाँ लगा, यहाँ पे वाई में लगा है, ठीक है, ये वाला। ओके, तो ये अपने बताओ क्या फोर्स हो गया है, मुझे कहते हैं डिस्टेंस ही कि नहीं, तो डिस्टेंस लिए देखो, अगर मैं यहाँ पे टी ले रहा हूँ तो ये अपने के पूरा को पूरा लेंथ आएगा यहाँ पे, दैट इज़ एल। सी पे लिया था जब मैं, तो यहाँ पे क्या है एल बाई टू, लेकिन जब मैं इस फोर्स को ले रहा हूँ मैं, तो ये देखो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, आपको यहाँ से हो रहा है कि नहीं, यहाँ से हो रहा है। देखो ये आपकी लेंथ कितनी दी हुई है, एल दी हुई है, तो दिस इज़ एल, और ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा, दिस विल बी कॉस कंपोनेंट, दैट इज़ कॉस 60 डिग्री। हो गया अपना ये, फिर आ जाओ टी कॉस 30, दैट इज़ एंटी क्लॉक वाइज, तो पॉजिटिव लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे टी कॉस 30 डिग्री। ओके, और डिस्टेंस बताओ क्या होगा, ये साइन कंपोनेंट के साथ हो जाएगा, क्योंकि अपने क्या कॉस कंपोनेंट है, तो यहाँ पे अपने क्या होगा, ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू 0 कर लो उसको। ओके, तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे एल, यहाँ का एल और यहाँ का एल, देखो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन बचे, दैट इज़ टी, और उसको सॉल्व करने आपको जो टी की वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ हाउ मच, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 0.866 न्यूटन्स, नहीं किलो न्यूटन्स। ओके, दिस विल बी इन किलो न्यूटन्स, जिसको आप लिख सकते हो 866 न्यूटन्स भी लिख सकते हो। ओके, दोनों में से कुछ भी लिखो, एक ही मतलब है। अब चूंकि यहाँ पे ये जो है किलोमीटर में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वन को देखो मैं क्या रखा था, किलोमीटर में रखा था कि नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे किलोमीटर में लिख दिया हूँ। तो जो मेरे को क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट, दैट इज़ टेंशन, ठीक है, वो मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एट द हिंज, मुझे क्या निकालना है हिंज पे जो रिएक्शन लगेगा, दैट इज़ पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वाई ए, फिर निकालना पड़ेगा मुझे एक्स ए, फिर हम क्या निकालेंगे आर ए निकालेंगे, फिर हम एक और चीज़ निकालेंगे दैट इज़ थीटा निकालेंगे। तो यहाँ पहले हम देखो क्या लेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 कर लो, जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ए। तो यहाँ पे अगर आप एक्स ए देखो तो आपके क्या है पॉजिटिव साइड में जा रहा है। ओके, और ये जो कंपोनेंट है वो अपना बताओ किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ माइनस टी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट एक्स ए इक्वल्स टू टी साइन 30 हो जाएगा आपका। ये देखो टी की देखो वैल्यू कितनी आपकी दी वहाँ पे 866। ओके, और साइन 30 अपना कितना होता है, 1/2 होता है, इसको सॉल्व करने पर आपको जो मिलेगा दैट इज़ 433 न्यूटन्स। ओके, या फिर इसको लिख सकते हो 0.433 किलो न्यूटन्स। ओके, तो ये अपना हो चुका है। अब लास्ट में हम क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे अब यहाँ पे। तो करने पे देखो क्या होगा, वाई ए आपको ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपको वेट नीचे आ रहा है, दैट इज़ -1 कर लो उसको, ठीक है, 1 कर लिए, क्योंकि मैं इसको क्या निकालूंगा, मैं इसको निकालूंगा किलो न्यूटन्स में निकालूंगा, ठीक है। अब देखो ये भी जो कंपोनेंट आपको ऊपर चढ़ रहा है, दैट इज़ प्लस टी कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 0 कर लो, इसको सॉल्व करने पे आपको जो वाई की वैल्यू मिलेगी, वाई ए की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 0.25 किलो न्यूटन्स। इसको हम अगर न्यूटन में लिखेंगे तो दिस विल बिकम 250 न्यूटन्स। ओके, तो सिंस मेरे पास एक्स ए वाई ए दोनों हैं, तो मैं यहाँ पे निकाल निकालूंगा आर ए निकालूंगा, दैट इज़ इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स ए का स्क्वायर प्लस वाई ए का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू को रखो, यू विल गेट वैल्यू एज 0.5 किलो न्यूटन, विच इज़ इक्वल्स टू 500 न्यूटन्स। फाइनली आपको जो थीटा मिलेगा, दैट इज़ थीटा इक्वल्स टू क्या होता है अपने, ये टेन इनवर्स ऑफ वाई ए अपॉन में एक्स ए होता है। वैल्यू को रखिए, टेन इनवर्स ऑफ सॉल्व करिए, विल गेट 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप पे छोड़ दे रहा हूँ मैं, इसको आप करिए,
और देखिए आपको यहाँ पे जो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे निकाला हूँ और आपकी जो वैल्यूज़ है वो आपस में मैच करेगी नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।